बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो गंगा पंचोली के सामने कमजोर प्रत्याशी है। इस समय जो है गंगा पंचोली की लहर है, इसमें भारी मतों से गंगा पंचोली जी को विजयी बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। महेश जिन्हा जी संपत्ति बोर्ड के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन संपत्ति बोर्ड इस सल्ट में मिलने वाला नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पे हैं, उन्होंने उनको किसी ने ना क्षेत्र में देखा है, वो अपने दिल्ली कारोबार करते हैं और उसके बाद उन्होंने अपना दिल्ली का कारोबार देखना है। अपने एक बाहरी आदमी को यहाँ पर बिठाया है और निश्चित तौर पर जनता बदलाव लाना चाहती है और वो कोई काम उनको इस क्षेत्र का और राजनीतिक से उनका कोई अनुभव नहीं है। पैराशूट के तो हम बिल्कुल विरोधी हैं, कोई भी पैराशूट नहीं आना चाहिए। लोकल का आए, जैसे ये आई है महिला वैसे ही आए, और पैराशूट वाले आदमी को हम पसंद नहीं करते। इन्होंने काम कहाँ किया उनका अता पता ही नहीं हुआ, इस क्षेत्र में हुए ही नहीं ठहरे हो, समाज सेवा से जुड़े ही नहीं ठहरे हो। जो प्रत्याशी है उनको तो कोई जानता ही नहीं है, भेज जी ना उनको तो कोई जानता ही नहीं है इस क्षेत्र में। इस समय कांग्रेस की लहर है और एक तरफा है ये चुनाव, ये एक तरफा हो गया।